बॉडी कर दे उसकी दी ले ले वहां से आजा आजा पीछे से पीछे से
तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे अटारी वाघा बॉर्डर की, जहां पूरा देश आज 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ना सिर्फ देश की राजधानी नई दिल्ली में बल्कि देश भर में गर्व से जुड़े ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेकिन ये तस्वीरें बीटिंग रिट्रीट की आपने देखी अटारी वाघा बॉर्डर से। Thank you.
तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर की, जहां पर आज आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस मैच्योर होती डेमोक्रेसी, परिपक्व होता गणतंत्र हमारा 71वें साल में प्रवेश कर चुका है। अटारी वाघा वोटर से इस वक्त की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर जोश जुनून सब कुछ देखने को मिल रहा है। सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, पैवेलियन जो है वो पूरी तरह से पटे पड़े हैं। और अब चूंकि दोनों ध्वज वापस बुला लिए गए हैं, गेट बंद हो चुके हैं, यानी कि बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो कि खास तौर पर और ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन जाती है 15 अगस्त 26 जनवरी को, और आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला जहां हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। वाकई आज के दिन बिटिंग रिट्रीट अटारी वाघा बॉर्डर पर जिस तरीके से की जाती है उसको देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। वजह बिल्कुल खास है कि आज गर्व का एहसास होता है, नाज का ये पल होता है, देश की डेमोक्रेसी, देश का गणराज्य, गणतंत्र जो है 71वें साल में प्रवेश किया है, और इसका जुनून यहाँ कम से कम बॉर्डर पर जो देखने को मिलता है वो अपने आप में दिल बाग बाग कर देता है। ये तस्वीरें अटारी वाघा बॉर्डर से, और बीटिंग रिट्रीट ये जो सेरेमनी है अब अपने समापन की ओर है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान लगातार अपना जोश, अपना जुनून, अपने होश के साथ बरकरार रखते हैं, और यही अंदाज लोगों को भाता है, जोश जगाता है लोगों में, जुनून जगाता है। और आज बहुत कुछ देखने को मिला पूरे देश में, आज गणतंत्र दिवस के दिन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। और राजपथ की अगर बात की जाए तो आज राजपथ पूरी तरह से शक्ति पथ में तब्दील होता नजर आया। तो बीटिंग रिट्रीट का ये कार्यक्रम फिलहाल जारी है, हालांकि अपने समापन की ओर, लेकिन अभी भी इंडियन साइड में अगर पेवेलियंस पर नजर दौड़ाएं तो हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। आज का खास दिन, डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा दिन, गणतंत्र के लिए बहुत बड़ा दिन, और इन्हीं गर्व के पलों का एहसास करने यहां लोग पहुंचे हुए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का तेज तर्रार रवैया आप देखिए, उनका जोशो खरोश देखते ही बनता है। तो अटारी वाघा बॉर्डर गेट के उस पार पाकिस्तानी रेंजर्स, और इस तरफ भारतीय सुरक्षा बल के जवान, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान। और अक्सर ये रिवायत रही है, अमूमन इस तरीके के जो कार्यक्रम है आयोजित होते रहते हैं, लेकिन 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी की बात की जाए तो इस दिन कुछ अलग ही लय में नजर आते हैं, अलग ही रोब में नजर आते हैं, गुस्सा भी इनका देखते बनता है। और जब सामने पाकिस्तानी हो तो फिर जोश और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन रिवायत यह भी है कि जब गेट बंद होते हैं, दोनों जो ध्वज हैं लहराने के बाद वापस बुला लिए जाते हैं, उस वक्त दोनों ओर के सैनिक सबसे पहले, मैं आप सभी को, पूरे देशवासियों को बीएसएफ की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये पहला हमारा 370 लगने के बाद पहला गणतंत्र दिवस है, पूरे हर्षोल्लास से मनाया गया है। आपने देखा कितने बच्चे स्कूल के, कॉलेज के इसमें पार्टिसिपेट किए, समय बड़ा उत्साह था, और मुझे उनकी जो राष्ट्रवाद की और देश प्रेम की भावना देखी उसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरा पाकिस्तान पर एक सवाल था। हाँ जी कहिए। फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप के सामने इमरान खान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और ट्रंप से कहा कि हम देखेंगे, क्या कहेंगे इस पर? क्या ये हमारे जवानों के हौसले को तोड़ने वाली बात नहीं है? नहीं, हमारा जवानों का जो हौसला बरकरार रहता है हर परिस्थितियों में, ये तो सरकार के लेवल की मुद्दा है जो सरकार इस पर फैसला करेगी। सर, फॉग हो रही है, स्मगलिंग बढ़ती जा रही है, उसको रोकथाम करने के लिए बीएसएफ की तरफ से कैसी और इंप्रूवमेंट लगाई जाए? देखो, हम हर साल करीबन 250-300 किलो ग्राम हीरोइन बीएसएफ सीज करती है। इस साल हमारा अच्छा सीजर हुआ है, इस साल में अभी तक जो है करीबन 50 किलो से ऊपर क्रॉस कर गया है, तो 27 किलो हमने गुरदासपुर सेक्टर में किया था, 16 किलो के करीब यहाँ पे अमृतसर सेक्टर में, और 7-8 किलो के करीब हमने अबोर सेक्टर में सीज किया। सर, एक ड्रोन का मसला जो हर बार पंजाब पुलिस को खाती दिया, सर एक थोक दिया, उससे आपका?
ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी हम अक्वायर कर रहे हैं और जल्दी इसका समाधान करेंगे। लेकिन हमारा जो भी हमारे पास हथियार हैं, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसमें हम काफ़ी हद तक उसको रोक पा रहे हैं। तो बारिश में जो फेंसिंग के पास जो रोड है, कच्छ गुजरात में बन चुकी है, पंजाब बॉर्डर में भी तक ये रोड पकड़ी नहीं रखते, आपका इसके ऊपर केंद्र सरकार को हमारा प्रपोजल किया हुआ है। मुझे लगता है एक साल के अंदर सारा रोड लेटरल और रेडियल रोड जितने भी हमारे बन जाए। सर, नाइट विजन कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं, हमारे पास हैं और उसमें और सुधार कर रहे हैं। HSTF वगैरह सब हमारे पास है और नया लॉट आने वाला है। तो यहाँ अटारी वाघा बॉर्डर पर BSF के उच्च स्तर के अधिकारी जो बताते हुए कि दरअसल धारा 370 हटा लेने के बाद इस बार का पहला जो गणतंत्र है उसमें बहुत ही ज़्यादा जोशो खरोश, और ये भी बताया उन्होंने कि पंजाब का जो बॉर्डर है वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की ज़्यादा घटनाएं तो नहीं होती, लेकिन बहुत कुछ नशे की जो तस्करी होती है वहीं से होती है, उस पर रोकथाम की गई है।